11 साल से मैं एक ही तरीके की जिंदगी जी रहा हूं। सुबह अंधेरे उठता हूं, नहा धो के तैयार होता हूं और 11 किलोमीटर दूर मऊना के, जो कि मेरा दूसरा घर है, के लिए निकल जाता हूं। किताबों में पढ़ा है जानवर और इंसान में सिर्फ वोट पाने का फर्क है, पर मुझे ये फर्क महसूस नहीं होता। फिर चाहे मैं स्कूल में हूँ या दुकान पर काम करूँ या दोस्तों के साथ रहूँ, पर मेरे दोस्त थोड़े कम है, क्योंकि मैं जब भी किसी से बात करता हूँ कोई मेरी बातें एक बार में समझ ही नहीं पाता है, इसलिए मुझसे भी ज़्यादा बात ही नहीं करता है। हम तीन लोगों का परिवार था, मैं और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा। ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, इसलिए दिहाड़ी मजदूरी ही मेरा काम था। गर्मियों में मेरे 7 साल के लड़के को पता नहीं कौन सी बीमारी हुई कि वो चल बसा। डॉक्टरों से बहुत पूछा, उनका जवाब सिर्फ इतना था कि उसके शरीर में पानी की कमी हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी तो समझ भी नहीं पाए कि ये कौन थी और कैसी बीमारी थी। बस वो एक पल मेरी जिंदगी बदल गया जब मेरे बच्चे का साथ देने मेरी पत्नी भी उस आसमान में चली गई। बंजारों के रिश्तेदार भी तो नहीं होते जो कहीं दिल लग जाए। खूब सोचा अब जिंदगी में बचा क्या है, कहां जाऊं क्या करूं। सोचते सोचते भगवान को कोसने की इच्छा होती थी। लगता था कि वो मेरे सामने आए और मुझे इस बात का जवाब दे। फिर एक दिन लगा कि उस कारण के लिए जिसने मेरी दुनिया खत्म कर दी कुछ किया जाए। आज तो पानी के पाउच आने लग गए हैं, पर उस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो सोचा क्यों ना एक प्याऊ लगा लूं, अपने लिए तो करने को कुछ भी नहीं था, पर शायद दिल को तसल्ली के लिए ये काम अच्छा था। अब दिन यहीं गुजरता है, वो पता भी नहीं चलता कैसे गुजरता है। यहां आता हूं, सारी साफ सफाई करता हूं, खुद पानी भरता हूं और इस प्याऊ की देखभाल करता हूं। यही मेरी पूंजी है। मैं दूसरों से अलग हूँ, कुछ अलग। लोग या तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं या बोल ही नहीं पाते हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ उल्टा है। मैं बोल तो सकता हूँ पर सामने वाला समझ सके ये ज़रूरी नहीं है।
जानता हूँ अजीब है पर ऐसा ही है। घर की हालत कुछ ज्यादा खास नहीं है, जो है तो ठीक है। मैं ना तो डरता हूँ ना घबराता हूँ और ना ही टेंशन लेता हूँ। मैं बस वही कर रहा हूँ जो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। मेरे टी शर्ट में जो मेनू बना हुआ है इससे मेरे लिए काफी परेशानी सॉल्व हो जाती है। पहले लोग मुझ पर गुस्सा करते थे क्योंकि मैं उन्हें बता नहीं पाता था, लेकिन अब इशारों में या हल्की बातचीत में ही आम चल जाता है। घर वालों से भी कोई शिकायत नहीं कर सकता, बल्कि अब तो करना भी नहीं चाहता। मेरी जिंदगी है, मेरी परेशानी है, तो सॉल्यूशन भी मेरा ही है। आगे की ज्यादा तो नहीं कह सकता पर कुछ तो अच्छा होगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। यही मुझे आगे बढ़ने में मदद करता है। जिंदगी जैसी है जो भी है बस अच्छी है। मायने ये रखता है कि हम उसे सही से जी पाए। ऐसा है, जब मुझे लगा कि अब जीने का क्या मतलब, तब मैं हार गया था। पर जब ध्यान से देखा, एक नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही थी। इस प्याऊ से एक ही बात समझ में आती है, समझो तो रास्ते कभी खत्म नहीं होते। इंसान को कभी रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, अपने लिए ना सही, दूसरों के लिए। मकसद की कोई कमी नहीं। अब मैं सही से बोल नहीं पाता, इसमें मेरी क्या गलती है? उन लोग सही से सुन नहीं पाते, उसमें उनकी क्या गलती है? बस इस बात से हार मान जाओ, ये तो कोई बात नहीं। बस हर बात अपनी शर्ट पर तो भी लिख नहीं सकता। मैं लोगों से बात करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया है कि कोशिश करना ही मेरे बस में है और वो मैं कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ।